लालची सब्जी वाली कमला। ये कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, पर आज के युग में भी काम की है। एक गांव में एक सब्जी वाली सब्जी बेचा करती थी। उसका नाम कमला था। उसके पास खुद की जमीन थी, उसी पर वो सब्जी उगाया करती थी। सब्जियों के लिए वो जैविक खाद डाला करती थी, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। सब गांव वालों को ये बात पता थी, इसलिए सारे लोग उसी से सब्जियां लेते थे। वो गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, कमला गांव में पुकारा करती थी। अरे कमला, आधा किलो बैंगन तो दे देना, एक आदमी ने कमला से पूछा। क्या भैया, आधा किलो बैंगन से क्या होगा, किस किस को खिलाओगे? अच्छा ऐसा करो, ये किलो ले लो। ठीक है, एक किलो देना। ये हुई ना बात भैया। कमला ने एक किलो बैंगन तौल दिए और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे बहुत सारे ग्राहक मिले। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब सब्जियां बिक गईं। उसके पास अब कुछ न बचा। आगे जाते ही एक आदमी ने पुकारा, ओ सब्जी वाली, जरा ताजा सब्जियां तो देना। इस पर कमला बोली, माफ करना भैया, सब्जियां तो खत्म हो गई। ठीक है बहना, कल थोड़ी ज्यादा सब्जी लाना, वो आदमी बोला। जरूर भैया, कमला बोली। सब्जियों की खाली कटोरी लेकर अपने घर को पहुंची और उसने पैसे गिनना शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश हुई। आज तो बहुत सारी कमाई हुई, लेकिन अंत में मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। कल से मैं ज्यादा सब्जियां बेचूंगी ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ न लौटे। अगले दिन कमला खेत गई। उसने सब्जियों के पौधों को जैविक खाद डालने के बजाय बाजार से साथ लाई रासायनिक खाद डाली और यही काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़े पैमाने में सब्जियां उग गई। कमला ने वो सब्जियां ली और गांव में जाकर बेचना शुरू कर दी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो, देसी खाद की सब्जियां ले लो। एक आदमी ने कमला को पास बुलाया, बहना एक किलो सब्जी दे दो। इस पर कमला बोली, जरूर भैया, कल आपको सब्जियां नहीं मिली थी, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो, सब ताजी है। कमला ने उस आदमी को सब्जी दी और आगे बढ़ गई। उस दिन उसकी सारी सब्जियां खत्म हो गई, कमाई भी अच्छी हुई। फिर क्या था, कमला रोज अपने खेत जाकर पौधों को रासायनिक खाद डालने लगी। जिससे सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी तादाद में उगने लगी। कमला ने अब अच्छे पैसे कमाना शुरू किए। कुछ दिन बाद गांव के बच्चे और लोगों की हालत बिगड़ने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे। अस्पताल में भर्ती होने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। गांव का मुखिया एक दिन डॉक्टर के पास गया और पूछा, डॉक्टर साहब, हमारे गांव में सब लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। डॉक्टर इस पर बोला, मुझे लगता है खाने में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खाया जा रहा है। मुखिया होशियार था, वो कमला के पीछे उसके खेत गया। उसने वहां देखा कि कमला जैविक खाद डालने की बजाय रासायनिक खाद पौधों को डाल रही है। उसे गुस्सा आया और वो तुरंत कमला के पास गया और बोला, कमला बहन, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, तुम जैविक खाद के बदले रासायनिक खाद डाल रही हो,
तुम धोखेबाज हो। तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों को तुम्हारी ये करतूत बताऊंगा। मगर मुखिया जी सुनो तो। कमला ने मुखिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुखिया वहां से चला गया और गांव में जाकर सबको ये बात बता दी। जब कमला सब्जियां लेकर निकली, भैया सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो, भैया सब्जी ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां, तुम धोखेबाज हो, चली जाओ यहां से, नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां। सब लोग चिल्लाने लगे। एक आदमी को गुस्सा आया, कमला को अपनी धोखाधड़ी पर बड़ा गुस्सा आया। उसके सारे ग्राहक टूट गए, कोई भी कमला से सब्जियां नहीं खरीदता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच करना बुरी बात है, कर बुरा तो हो बुरा। दोस्तों पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।